निकम जी, कैसे हैं आप? सब लोग ठीक होंगे, लशपश होंगे, टिप टॉप होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग बातचीत, और उसकी वजह ये थी कि बस मैं मसरूफ थी कुछ टाइम से और कुछ तबीयत डाउन थी। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। आई थॉट कि यार करते हैं, आज बात कर लेंगे। मैंने एक दो क्लिप्स बनाए हुए थे जो कि मैं शायद ऐड कर दूँ इस व्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट में कर देंगे। और बस यार ये चल रहा है। आप लोग बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए हुए थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही। सो आई थॉट कि यार अब हम एक वीडियो बना लेते हैं शॉर्ट सी, जिसमें हम सिर्फ बातचीत करेंगे, हालचाल पूछेंगे। तो खैर अभी रमज़ान आने वाला है, लाइक आज जब मैं व्लॉग डालूंगी तो यानी आज वैसे सऊदी अरब वगैरह में या बाहर तो रमज़ान हो चुका है। तो रमज़ान मुबारक हो जी आप तमाम लोगों को, जितने भी लोग। इसके अलावा पाकिस्तान में भी अब इंशाल्लाह हफ्ते का पहला रोज़ा होगा, तो आप तमाम लोगों को रमज़ान बेहद मुबारक हो। रमज़ान की क्या प्रिपरेशन की है आप लोगों ने इस दफ़ा? वैसे लॉकडाउन अब मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा, लाइक मुझे खुद आज ग्रॉसरी के लिए जाना था तो बाहर काफ़ी रश था। खैर मेरे तो बहुत सारे काम रहते, मुझे आप लोगों से एक बात याद करना नहीं रही, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप ऐड कर दूंगी। और ये बात वो है कि अभी रमजान राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी होगी, हमने 350 प्लस फैमिलीज को सपोर्ट करना है, उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज डोनेट अस, 300 फैमिलीज का राशन अरेंज करने के लिए हमारी हेल्प करें। इसके अलावा हमारी इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इफ्तारी बॉक्सेज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर उनमें भी कोई डोनेट करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो यू गाइस कैन। इसके अलावा जकात और सदका भी फैमिलीज के लिए एक्सेप्टेबल है, आप लोग जकात और सदका भी अपना डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं बीदा चेंज का पेज का लिंक डाल दूंगी, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगी जिसपे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। या इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम का एक और व्लॉग आएगा जो कि बहुत खास होगा, क्लीन एंड ग्रीन की सर्विसेज मैं ले रही हूँ। लाइक उनकी एक टीम आ रही है जो कि क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं अपनी डीप क्लिनजिंग और इसके अलावा स्टीम क्लिनजिंग घर की। चूंकि आपको पता है कि मैंने घर शिफ्ट किया तो अभी मेरा रूम भी उसी तरह से प्रॉपर सेट नहीं हुआ और बाकी घर भी, तो जब हम इस घर में आए थे तो घर बहुत गंदा था। सो अभी कल वो लोग आएंगे तो मैं उनके साथ एक व्लॉग बना रही हूँ, कोलैबोरेशन हुई है हमारी, और फिर आपको दिखाएंगे किस तरह से आप उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रोजन आइटम सब लोग बना रहे होंगे तो फ्रोजन आइटम के लिए मैं एक पेज का लिंक दूंगी, यम्मी फ्रोजन फूड्स, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, कबाब और इस तरह की तमाम चीजें। सो समोसे, रोल्स, कबाब, कटलेट्स, पोटैटो चीज बॉल्स उनकी बड़ी मुझे पसंद है। सो आप लोग उनके व्हाट्सएप पे, उनके पेज पे कांटेक्ट कर सकेंगे। बाकी क्लीन एंड ग्रीन सर्विसेज के बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल से, उनका लिंक मैं कल ही डालूंगी, चूंकि ईद वगैरह पे तमाम लोगों को घरों की बेहतरीन से सफाई करवानी होती है। और इसके अलावा आप लोग बताएं क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं, कुछ नया किया इस हफ्ते में, कुछ सीखा, कोई मूवी देखी, कोई सीरीज देखी आजकल? अच्छा मैं ना नेटफ्लिक्स मैं नहीं कर पा रही साइन अप, कल बड़ी स्ट्रगल की बिकॉज मेरे जो एटीएम एक में यूज़ कर रही हूँ दूसरे में यूज़ हो गया था तो उसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं हो रही। सो मैं स्टार्स प्ले पे मूवीज और सीरीज कुछ देख रही थी, अब चूंकि वैसे रमजान आ रहा है तो वैसे भी मसरूफियत बढ़ जाएगी। सो आप लोग बताएं आपने कोई मूवी देखी, कोई सीरीज देखी या क्या किया इस सारे अरसे में? इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर। अपना बता दिया कि पूरा वीक मैंने जो है ना इंजॉय किया, मैंने रेस्ट दिया। इसके अलावा ये जो बैलून्स आपको पीछे नजर आ रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं मेरे साथ, वो लोग जानते हूँ खरीदे थे परसों रात में, मैं काम से बाहर गए थे हम लोग, तो मैंने देखा कि वो बाबा जी किसी कस्टमर का वेट कर रहे थे। सो मैंने काफी सारे, मेरा पूरा कमरा भरा हुआ था, अभी तो खैर मैंने उधर भी कुछ शिफ्ट किए, अभी कमरा बिल्कुल सेट होगा, ये सारा अभी उठाया जाएगा, कारपेट्स नए आएंगे, वहां पे जो आपको नजर आ रहा है एरिया वहां पे मैं बनवा रही हूँ अपनी वर्किंग डेस्क। इसके अलावा चेयर वगैरह तो वो कल परसों तक, अभी कल क्लीन एंड ग्रीन वाले आएंगे, फिर उसके बाद परसों मेरे कारपेंटर आएंगे, वो मेजरमेंट्स लेके जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कमरे का एक आपको लुक देंगे डेकोर। इसके अलावा टेरेस मुझे डेकोर करना है, उसके हवाले से भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको। बस सब अच्छा अच्छा रमजान गुजर जाए, तमाम लोग सेफ रहें, घरों में रहें और बिल्कुल इसको सीरियस अभी भी लें। लोग इस तरह से बाहर जा रहे हैं जैसे किसी ईद की शॉपिंग कर रहे हो, तो प्लीज अपना और दूसरों का ख्याल।
मैंने इस वीक में एक दो तो मैंने बताया ना मूवीज मैंने काफी देखी हैं। पीके जाके मैंने अब देखी थी। खैर इसके इसके अलावा बुक्स अभी मेरी चूंकि इस घर में अभी शिफ्ट नहीं हुई तो मैं कोई भी बुक आपको रिकमेंड नहीं कर सकती। जो मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई तो आप लोगों ने भी शायद पढ़ी होंगी, पीरे कामल, जन्नत के पत्ते और इस जन्नत के पराबे थी आबे हयात, अब मैंने पढ़नी है। मेरी एक कलेक्शन में टेडी बेयर की कलेक्शन में एक और इजाफा हुआ है। ये प्यारा सा टेडी हमने परसों लिया। इसके अलावा बाकी मैकडोनल्ड मैंने जाके फाइनली 2 दिन पहले खाया और मैं बकायदा गई F9 पार्क वाली ब्रांच में और खाना हम लेकर आए। उसका अगर क्लिप मैं डाल सकती हुई तो मैं इसमें डाल दूंगी, आप लोग देख सकेंगे। बाकी यार यही था गपशप आज की। आप लोग कमेंट करें कि आपका पूरा वीक कैसे गुजरा और आगे क्या प्लानिंग है, क्या है और में क्या है, और रमजान में आप किस तरह के व्लॉग्स चाह रहे हैं। अपना रखिए ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।